Welcome everyone to this next video in the series coordination compounds. Last video में हम लोगों ने nomenclature start किया था coordination compound का और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि coordination compound का structure किस तरीके से होता है और क्या rules हम follow करते हैं coordination compound को name करने के लिए. और आज की video में basically हम लोग उस discussion को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ये जो लिगेंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इसका नाम किस तरीके से हम देते हैं, या जो सेंट्रल मेटल एटम आता है उसके नाम में क्या चेंजेस हो जाते हैं इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो वीडियो वन जो वीडियो लास्ट वीडियो और आज का वीडियो, इन दो वीडियो को मिलाकर हमारा पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, नहीं आ रही होगी. एंड आज का वीडियो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत इजी लगेगा. और उसके बाद एक बार हम सारे नेमिंग कन्वेंशन देख लें, उसके बाद हम काफी एग्जांपल्स देखेंगे विच विल मेक श्योर कि जितने भी हमने रूल्स और जितने भी हमने कन्वेंशंस लर्न किए हैं वो सब हम अप्लाई कर पाए. ओके, सो रेडी टू स्टार्ट विथ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. Now, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे कि अगर कोई लिगेंड हमारे जो भी लिगेंड हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ रहा है उसका नाम हम किस तरीके से देते हैं. ये जो नेम है लिगेंड के ये थोड़ा चेंज हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर विजावेस नॉर्मल जो आपको कंपाउंड्स मिलते हैं, जो नॉर्मल सॉल्ट्स रहते हैं उसमें जो नाम आते हैं और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उनका नाम आएगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तो जब हम लिगेंड्स के नाम देते हैं तो लिगेंड्स के नाम देने का कन्वेंशन इज डिफरेंट फॉर नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड. तीनों के लिए उनके नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव लिगेंड से कि नेगेटिव लिगेंड्स का नाम हम किस तरीके से देते हैं. सो फॉर नेगेटिव लिगेंड्स के अंदर हमें मेनली जो भी हमारा आयन आ रहा है उसके आखिरी का ई हटाकर ओ लगाना होता है. जैसे मान लो कोई भी नेगेटिव आयन होगा तो टिपिकली वो एंड किस में होगा, या तो आईडीई में एंड होता है या फिर ITE में एंड होता है या फिर ATE में एंड होता है. जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड एक्सेट्रा, नाइट्राइट, सल्फाइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट. तो टिपिकली तुम्हारे जो एनायंस रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस रहते हैं, तो मोस्टली दे विल एंड विथ IDE, आइड, आइट और एट. अब जब ये आयंस हमारे लिगेंड की तरह काम करते हैं तो उस केस के अंदर वी सिंपली नीड टू रिप्लेस आईडीई बाय आईडीओ, आईटीई बाय आईटीओ, एटीई बाय एटीओ. सो क्लोराइड बिकम्स क्लोराइडो, नाइट्राइट बिकम नाइट्राइटो, नाइट्रेट बिकम्स नाइट्रेटो. तो ये कन्वेंशन है, ये करंट कन्वेंशन है IUPAC का. उससे पहले क्या होता था, आईडीई की जगह, मतलब पुरानी बुक्स में देखोगे तो क्लोराइडो की जगह क्लोरो होगा, ब्रोमाइडो की जगह ब्रोमो होगा. मतलब पूरा का पूरा वर्ड हटके, पूरा का पूरा ये आइड और एट हटके ओ लग जाता था. बट ये ओल्डर कन्वेंशन है. न्यूअर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें पूरा का पूरा को रिप्लेस नहीं करना है, केवल हमें लास्ट ई को रिप्लेस करना है विथ ओ. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इनके. तो यहां पर हम लिखते हैं लिगेंड और यहां पर लिखते हैं उसका नेम. सो लेट्स से क्लोराइड. सो क्लोराइड बिकम्स क्लोराइडो, ब्रोमाइड बिकम्स ब्रोमाइडो,
आयोडाइड, आयोडाइडो, फ्लोराइड, फ्लोराइडो, जहां पर भी आईडीई आ रहा है उसकी जगह आईडी ओ हो जाएगा, ऑक्साइड, ऑक्साइडो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइडो। तो और भी जो भी तुम्हारे आईडीई में एंड हो रहे हैं सिमिलरली वो आइडो 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 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली तुम्हारा लेट्स से यू हैव सल्फेट, दिस बिकम सल्फेटो, कार्बोनेट, कार्बोनेटो, नाइट्रेट बिकम्स नाइट्रेटो। तो यहां पर एट आ रहा था ये एटी हो गया, यहां पर आईडी आ रहा था वो आईडीओ हो गए। तो यही कन्वेंशन चलता है फॉर नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। एक बार फटाफट आप इसको नोट कर लो और मैं कुछ और एग्जांपल्स फिर आपको देता हूं, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं बेटर रहेगा। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल। ये क्या है आपका साइनाइड, तो क्या बन जाएगा साइनाइडो। सिमिलरली अगर साइनाइड एम्बिटेंट है नाइट्रोजन से लिंक करेगा तो बन जाएगा आइसो साइनिडो। सिमिलरली आपका लेट्स से ये क्या है थायोसाइनेट, तो ये बन जाएगा थायोसाइनेटो। ठीक है, और एग्जांपल सोचो आप, और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं आपके। सल्फाइट बिकम सल्फीटो, यह है नाइट्राइट। अब देखो नाइट्राइट के अंदर दो पॉसिबल केसेस हैं, नाइट्राइट में भी लिंकेज या तो ओ के थ्रू हो सकता है या एन के थ्रू हो सकता है। अगर ओ के थ्रू हो रहा है तो हम उसको लिखते हैं नाइट्रीटो, तो आएगा ही ओ, यह बता रहा है कि ओ के थ्रू लिंकेज होगा। सिमिलरली अगर नाइट्राइट का लिंकेज एन के थ्रू होता है तो उसको हम लिख देते हैं नाइट्रीटो एन। ठीक है, तो ये काफी एग्जांपल्स हैं। और भी कोई इस तरह का तुम्हारा आयन आता है, अगर नॉर्मल सॉल्ट्स में हम उसे आईडीई आईटी एटीई में एंड हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जब वो लिगेंड की तरह काम करेगा तो वो आइडो आइटो और एटो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट भी काफी कॉमन है, उसको भी लिख लो, दिस बिकम्स ऑक्सैलेटो। तो ये आपके कुछ नेगेटिव लिगेंड है और ये उसके नेमिंग कन्वेंशन है। जब ये आयन, ये नेगेटिव आयन एज ए लिगेंड काम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो दे विल टेक दिस नेम। तो जैसे मैंने बोला था थोड़ा सा चेंज हमें करना है तो ये वो चेंज है। नाउ मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू देयर कॉमन नेम लाइक क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड, जब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो भी जल्दी जल्दी के अंदर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड लिख देते हैं। तो जहां पर आपने वो लिखा वहां पर आपका नेमिंग गलत हो गया और आपके नंबर्स नहीं मिलेंगे। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम लिगेंड को नाम सही दे रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वी विल लुक एट नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स।
So let's now look at the naming of neutral ligand. अब नॉट टिपिकली न्यूट्रल लिगेंड और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स बहुत कम होते हैं, तो उसके लिए ज्यादा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ कॉमनली अक्रिंग न्यूट्रल लिगेंड्स जो है उनके हम नेमिंग कन्वेंशन देखते हैं। जब भी न्यूट्रल लिगेंड आता है तो एक स्पेशल नेम लेता है, जैसे मोस्ट कॉमन आपको वॉटर यानी H2O। तो जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो दिस गेट्स द नेम एक्वा। अमोनिया, दिस गेट्स द नेम ऑफ अमीन। अब इसमें ध्यान रखना है कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन लिखते हो तो सिंगल एम के साथ लिखते हो, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब अमोनिया आ रहा है ग्रुप तो दैट बिकम्स अमीन विथ डबल एम। ओके, सो नेक्स्ट इज लेट्स योर कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड की तरह एक्ट करेगा तो दिस बिकम्स कार्बोनिल। एंड या वन मोर, दिस थिंग कार्बन CS, दिस बिकम्स थायो कार्बोनिल। ओके, सो दीज आर योर वन मोर न्यूट्रल लिगेंड विच यू विल एनकाउंटर इज NO। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जब NO आ रहा है तो NO माइनस के फॉर्म में आ रहा है कि NO प्लस के फॉर्म में आ रहा है कि NO न्यूट्रल के फॉर्म में आ रहा है। न्यूट्रल के फॉर्म में आ रहा है तो दिस विल बी नाइट्रोसिल। तो ये पांच न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिसके नाम आपको पता होने चाहिए। वाटर एक्वा, अमोनिया अमीन, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल और NO नाइट्रोसिल। ठीक है, अब फाइनली हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड। और पॉजिटिव लिगेंड के अंदर बहुत ही सिंपल है, जो भी आपका आयन है उसके आगे आपको ईएम ऐड कर देना है, ऐड आईयूएम ईएम। ठीक है, एग्जांपल देखें कुछ, लेट्स से एनओ प्लस, तो दिस विल बिकम नाइट्रो सीलियम, नाइट्रो सीलियम या नाइट्रोलियम भी लिख देते हैं। दिस बिकम्स नाइट्रोनियम। सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव लिगेंड्स विच यू विल इनकाउंटर। या देयर इज वन मोर, हाइड्रोजीन। This becomes hydrazinium। इसको कई बार N2H5+ भी लिख दिया जाता है। ओके, तो NO प्लस नाइट्रोसीलियम, NO3+ नाइट्रोनियम और ये हाइड्रोजीन NH2NH3+ hydrazinium। सो दीज आर सम पॉजिटिव लिगेंड्स एंड दीज आर देयर नेम। अगर आपका अमोनियम आता है NH4 तो उसमें तो पहले ही अमोनियम करके वर्ड आई जाता है। तो ये है आपका नेमिंग कन्वेंशन या नेम्स फॉर लिगेंड्स। हमने देखा कि किस तरीके से हम नेगेटिव लिगेंड्स को नेम करते हैं, किस तरीके से न्यूट्रल लिगेंड और किस तरीके से पॉजिटिव लिगेंड्स को नेम करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट हमें याद होना चाहिए और जब लिखते टाइम हमें मिस्टेक नहीं करनी है। ये नाम आपको पता है तो आपका 80% काम ओवर हो चुका है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, सर स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सेंट्रल मेटल एटम को नाम देते हैं। एक पार्ट हमने खत्म कर लिया, लिगेंड को नाम कैसे देते हैं। उससे पहले हमने ये खत्म कर लिया था कि पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें नेमिंग रूल्स क्या क्या है। अब केवल एक फाइनल पीस बचा हुआ है हमारा, दैट इज द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक,
इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम किस तरीके से हम देते हैं। ना जब हमें सेंट्रल मेटल एटम का नाम देना है तो वो नाम इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है या न्यूट्रल है। सो बेसिकली वी विल लुक एट कोऑर्डिनेशन स्फीयर सबसे पहले। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको पता ही है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन यानी नेगेटिवली चार्ज्ड है विज़ावेस कैटायन के फॉर्म में यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो ये दो केस हमें कंसिडर करने हैं, एक एनायन के फॉर्म में है और दूसरा कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जैसे FeCN6 4-, ये आपका एनायन के फॉर्म में है तो इसका नॉमेनक्लेचर कुछ और होगा। सिमिलरली लेट्स से NiCO4 ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा डिफरेंट होगा। सिमिलरली अगर आपका कैटायन है तो उसका भी थोड़ा डिफरेंट चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटायन और न्यूट्रल अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो उसके अंदर आपको क्या करना है। तो गुड न्यूज ये है कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल नेम ऑफ एलिमेंट्स इज यूज्ड। मतलब निकल है तो निकल यूज होगा, आयरन है तो आयरन यूज होगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट यूज होगा, क्रोमियम है तो क्रोमियम यूज होगा, कॉपर है तो कॉपर यूज होगा। तो जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग के अंदर कोई भी रूल नहीं है, जो हमारा कॉमन नेम है उस मेटल का वही हमें यूज करना है। सो क्रोमियम विल बी क्रोमियम, कोबाल्ट विल बी कोबाल्ट, निकल विल बी निकल, आयरन विल बी आयरन। डिफरेंस आता है जब वो एनायन के फॉर्म में है, इन वेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनायन तो हमें मेटल के नाम के आगे 8 ऐड करना है, सफिक्स टू नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मतलब अगर कोबाल्ट है तो क्या बन जाएगा, वो कोबाल्टेट। और सेकेंड चीज जो याद रखनी है, A few metals use their Latin name. मतलब उसको कॉमन नेम यूज नहीं करेंगे, उनको लैटिन नेम यूज करेंगे। जैसे आयरन को हम आयरन नहीं बोलेंगे, हमें फेरस यूज करके उसका नाम देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट देख लेते हैं उन मेटल्स की जिसके अंदर हम उनके लैटिन नेम टिपिकली यूज करते हैं। आयरन तो फेरस की जगह हो जाएगा वो फेरेट, सिल्वर ये हो जाएगा आपका अर्जेंटियम नाम होता है अर्जेंटेट, आपका कॉपर बिकम्स क्यूप्रेट, लेड बिकम्स प्लम्बेट, टिन बिकम स्टेनेट। ठीक है, तो आयरन बिकम फेरेट, सिल्वर अर्जेंटेट, कॉपर क्यूप्रेट, लेड प्लम्बेट, टिन स्टेनेट, अगर गोल्ड है तो ऑरेट। तो इस तरीके से ये कुछ मेटल्स हैं और भी दो तीन मेटल्स हैं जो अपना लैटिन नेम यूज करके हम नेम करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, फेरेट, अर्जेंटेट, क्यूप्रेट, प्लम्बेट, स्टेनेट,
और 8। ठीक, अब कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो अपना लैटिन नेम यूज नहीं करते, अपना कॉमन नेम ही यूज करते हैं और उसके आगे बस 8 लग जाता है। जैसे हमारा कोबाल्ट, दिस बिकम्स कोबाल्टेट, निकल निकलेट, प्लैटिनम प्लैटिनेट, पैलेडियम पैलेडेट। ठीक है, तो ये है आपका नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो याद रखो, जब हम कैटायन या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं इस फॉर्म के अंदर, यानी यहां पर जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो उसके राइट हैंड साइड में आएगा, ये कैटायन की तरह काम कर रहा है, तो उस केस में हम नॉर्मल मेटल का नाम यूज करते हैं और कुछ नहीं करना है उसका। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन के फॉर्म में है लाइक दिस, तो सेंट्रल मेटल के नाम के आगे में 8 लगाना है। कुछ मेटल्स अपना कॉमन नेम यूज करते हैं, जैसे कोबाल्ट, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, दिस बिकम्स कोबाल्टेट, निकलेट, प्लैटिनेट, पैलेडेट एक्सेट्रा, और कुछ अपने लैटिन नेम यूज करते हैं, फेरेट, अर्जेंटेट, क्यूपरेट, प्लम्बेट, स्टेनेट एंड ऑरेट। तो इसको आप नोट कर लो, ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। आपके करीब करीब सारे एग्जाम्पल्स इन्हीं 6-7 मेटल से हो जाएंगे। एक और लिख लो, जिंक, जिंकेट अगर यूज होता है तो, अदरवाइज जिंक का जनरली फुल्ली फिट डी ऑर्बिटल होते हैं तो काफी कम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके मिलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो और अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। आज जो हमने पढ़ा है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स और नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इसको यूज करना है, और जो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने रूल्स पढ़े थे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, उसको यूज करके हम कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग करेंगे। और ये एग्जांपल्स जब आप देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट, आपके रूल्स, सब कुछ आपके दिमाग में क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, 5-7 मिनट बाद आप बोलोगे कि हाँ, इसका नॉमेनक्लेचर बहुत 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 ईजी है। ओके, तो चलो फटाफट ले लो उसका स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल लुक एट सम एग्जांपल्स। तो है शॉर्टलिस्टेड अ फ्यू एग्जांपल्स जिसको हम लोग देखेंगे और आप सब मेरे साथ इसको नेम करने की कोशिश करो। पहले तो एग्जांपल मैं करके बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा या आप वीडियो पॉज करके उसका अपना नाम लिखना खुद से और फिर देखना कि आपने अपना नाम सही लिखा है कि गलत। ओके, तो पहला एग्जांपल देखते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहां पर देखो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपके राइट हैंड साइड में आ रहा है, यानी ये एनायन की तरह काम कर रहा है, और आपका पॉजिटिव आयन क्या है, पोटेशियम। ठीक, तो सबसे पहले कैटायन का नाम आएगा और उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आएगा। तो चलो नाम लिखें, कैटायन क्या आपका पोटेशियम, तो ये आ गया आपका पोटेशियम स्पेस, और अब नाम आएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो पहला रूल, नेम द लिगेंड और लिगेंड के नाम के आगे प्रीफिक्स लगाओ जो उसका डिनोट करेगा कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं। तो यहां पर 6 लिगेंड अटैच्ड हैं, तो दिस बिकम्स हेक्सा। लिगेंड कौन सा है, साइनाइड, तो अभी हमने पढ़ा नेगेटिव है, साइनाइड नेगेटिव आयन होता है ना, तो दिस विल बिकम साइनिडो, तो दिस बिकम हेक्सा साइनिडो। ये एनायन है
तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे क्या लगेगा? एट लगेगा। तो आयरन हमने पढ़ा था क्या बन जाता है? फेरेट। और उसके बाद ब्रैकेट में आती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां तक क्लियर? पोटेशियम स्पेस हेक्सा साइनिडो फेरेट, और हमें अब उसकी लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सबको आता है, आपने इलेवेंथ में भी किया, ट्वेल्थ में भी करा हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हर कंपाउंड में प्लस वन होता है। यहां पर फोर एटम्स है तो वन इंटू फोर प्लस फेरस का एक्स मान लेते हैं। साइनाइड का माइनस वन होता है तो माइनस वन इंटू सिक्स। पूरा न्यूट्रल कंपाउंड है तो दिस बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो 4 प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू टू। तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका 2। तो यहां पर हम 2 लिख देंगे इन रोमन न्यूमरल। तो ये आपका नाम बन गया पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट 2। क्लियर है सबको? एक बार और देख लो ध्यान से, सारे रूल्स देखो। कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, तो हमने कैटायन का नाम पहले दे दिया, फॉलोड बाय स्पेस, उसके बाद लिगेंड का नाम। लिगेंड के नाम में सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, सिक्स है तो हेक्सा, फिर साइनाइड, ये नेगेटिव लिगेंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि साइनाइड नेगेटिव लिगेंड होता है, तो साइनिडो। ये टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनआईएन है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके आगे एट लगेगा, तो फेरेट। तो इस तरीके से हम ये नाम दे देते हैं, ठीक है, गुड। इसको नोट करो और सेकंड एग्जांपल देखते हैं अब, और ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और उसके बाद आप ट्राई करेंगे पॉज करके और फिर मेरे आंसर से चेक करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ओके दिस वन। So this is the compound. अब इस केस में देखो कि जो आपका coordination sphere है, ये आपका coordination sphere है, this is acting as a cation क्योंकि पहले आ रहा है, और sulfate आपका anion है, तो उसका नाम start होगा आपके coordination sphere के नाम से। तो चलो coordination sphere का नाम देना शुरू करें। Again सबसे पहले किसका नाम आएगा? Ligand का, और ligand में सबसे पहले prefix तो हेक्सा। अभी हमने पढ़ा अमोनिया आता है तो क्या बन जाता है नाम? अमीन, क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो हेक्सा अमीन। अभी कैटायन की तरह काम कर रहा है तो उसमें एट नहीं लगेगा सेंट्रल मेटल के नाम के आगे, तो ये कोबाल्ट है तो सिंपल कोबाल्ट। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और उसके बाद क्या है आपका? सल्फेट, वो आ गया सल्फेट। देखो कंफ्यूज मत करना, ये सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट नहीं है, तो ये लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, तो सल्फेटो वगैरह कुछ नहीं आने वाला, ये तो आपका आयनाइजेशन स्फीयर है। तो आयनाइजेशन स्फीयर में तो जो कॉमनली आप नाम यूज करते हो वही नाम चलेंगे, तो ये हमारा सल्फेट आयन, तो सल्फेट ही आएगा, ठीक है। केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जब हम नेमिंग करते हैं तब हमें वो लगाने हैं, डिफरेंट नेम्स यूज। तो ये हमारा नाम हो गया हेक्सा अमीन कोबाल्ट। अब इस ब्रैकेट में कुछ लिखना है सल्फेट। अब फिर से हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ठीक है। तो देखो कोबाल्ट का मान लेते हैं हम एक्स, अमोनिया हमें पता है किस तरह का लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, तो ये हो गया जीरो, ठीक है, ये जीरो हो गया। अब इसके अंदर दो तरीके से कर सकते हो, तो पहला तरीका ये इसके दो है तो उसको हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस सल्फेट, सल्फेट को हम पूरे एक एज अ सिंगल आयन लेकर चलेंगे, ठीक है, और हमें पता सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है,
माइनस टू, एसओ फोर टू माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, माइनस टू इंटू थ्री, क्योंकि तीन उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तीन आयन्स अटैच्ड हैं, तो ये हो गया टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स और एक्स इज इक्वल टू थ्री, इस तरीके से आ गया। ठीक, दूसरा तरीका मैं क्या बोल रहा था कि यहां से मुझे पता है कि इस वाले जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसमें इसको थ्री चार्ज दिया था, यानी इसका माइनस थ्री लेकर आप इसको भी अकेला यूज कर सकते हैं, पर छोड़ो उसको, अब ये वाला तरीका यूज करो जो आप हमेशा से यूज करते आए हो। तो एक और बात समझ लो, कोबाल्ट का मैं निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने इसको एक्स मान लिया, अमोनिया न्यूट्रल है तो जीरो, इसके दो ये पर्टिकुलर एंटिटी दो बार एक कर रही है टू, तो मल्टीप्लाई बाई टू, प्लस सल्फेट का चार्ज होता है माइनस टू, तो माइनस टू इंटू थ्री, तीन आयन से, तो ये टू एक्स माइनस सिक्स पूरा का पूरा न्यूट्रल है इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो यहां पर आपका ये हो गया हेक्साअमीन कोबाल्ट थ्री सल्फेट, हेक्साअमीन कोबाल्ट थ्री सल्फेट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी चीजें तो आपकी आपको रटा जाएंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगी, केवल गड़बड़ कहां कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, तो वो भी बहुत इजी है, आपने करा हुआ है, प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा है, मतलब एकदम लॉजिकल है, इसमें आपको कुछ ज्यादा चीजें रटने की जरूरत नहीं, आपको केवल रूल्स पता होने चाहिए, उनके नेम पता होने चाहिए, बाकी तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम लोग बाकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है K2 और आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है NiCN4। चलो फटाफट इसका नाम लिखो, वीडियो पॉज करो और इसका नाम लिखो। ठीक है, चलो लिख लिया आपने नाम, अब चेक करते हैं, ये कैटायन ये एनायन, तो कैटायन का नाम पहले पोटेशियम, फिर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आएगा, सबसे पहले प्रीफिक्स फॉर दिस फोर, तो दिस प्रीफिक्स इज टेट्रा। ठीक है, टेट्रा, अगेन साइनाइड तो इट बिकम साइनिडो, टेट्रा साइनिडो। अब क्योंकि ये एनायन है तो सेंट्रल मेटल एटम के आगे एट लगेगा, तो निकलेट, और यहां पर आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए टू प्लस एक्स, सीएल का वहां माइनस वन होता है तो माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। सही आया आप लोग का नाम, जब कोई मिस्टेक करी है तो एनालाइज करो उसकी मिस्टेक आपने कहां पर करी है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे अब सिमिलर K2Pd पैलेडियम और इसके साथ आपका लिगेंड है Cl यानी क्लोराइडो। फटाफट वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, लिख लिया आपने, चलो अब देखो, अगेन पोटेशियम इज अ कैटायन, ये एनायन है तो अगेन फॉर्मेट विल बी सेम, पोटेशियम फॉलोड बाय द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, प्रीफिक्स पहले चार है तो अगेन टेट्रा, बट इस टाइम आपका लिगेंड है क्लोराइड यानी क्लोराइडो, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है वो। पैलेडियम
पर क्योंकि एन आई एन है तो एट लगेगा, तो पहले डेट और अगेन इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने चेक किया था टू आया था, साइनाइड में भी माइनस वन है, क्लोराइड में भी माइनस वन है, तो यहां पर भी टू ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। सो पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पहले डेट, ठीक, मजा आ रहा है, सिंपल है। चलो और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अब यहां पर आपको कैटायन नहीं दिया हो, यहां पर केवल दे रखा है कि ये एनायन की तरह फॉर्म कर रहा है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, बस ये वाला वर्ड नहीं आएगा, बाकी पूरा का पूरी चीज वैसे का वैसे ही चलेगी, ठीक है। आपको केवल इस केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देना है, यहां पर माइनस साइन इसलिए दे रखा है कि आपको पता हो कि सेंट्रल मेटल का एटम का नाम एट में एंड होगा या कॉमन नेम आएगा। चलो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ओके, नाउ लेट मी राइट द नेम ऑफ दिस थिंग एंड यू कंपेयर योर आंसर विद इट। सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड में प्रीफिक्स लगेगा, अगेन फोर है तो टेट्रा हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होता है तो हाइड्रोक्सीडो, नेगेटिव एनायन है ये पूरा, तो उसके नाम क्या आगे एट, जिंक एट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये एक आयन है तो लेट्स से जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स, हाइड्रोक्साइड का माइनस वन होता है तो एक्स प्लस माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे जो चार्ज है इस आयन के ऊपर, तो एक्स यहां पर टू चार्ज होगा, ठीक है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट टू, तो ये आपका नाम हो गया, क्योंकि यहां पर कैटायन नहीं दिया था लेकिन हमें पता चल रहा क्योंकि हमने यहां पर आयन के ऊपर चार्ज दे रखा था, तो हमें केवल उस कैटायन का नाम नहीं लिखना, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। चलो और दो तीन एग्जांपल देखते हैं, अब हम एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन की तरह एक्ट कर रहा है। सो ओके, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल, Ni NH3 होल 6 Cl2। चलो फटाफट इसका नाम लिखो, उसके बाद मैं लिखता हूं, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो अपने से। ओके, so now let's see the name of this particular compound. यहां पर आपका coordination sphere is acting as cation. तो central metal atom का नाम वैसे का वैसे ही रहने वाला है, और क्योंकि ये cation की तरह act कर रहा है तो उसका नाम पहले आएगा, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखना शुरू करते हैं, अगेन ligand का नाम पहले लिखेंगे और ligand के नाम में prefix लगेगा सबसे पहले, तो hexa। अमोनिया क्या बन जाता है, अमीन विथ डबल एम, हेक्सा अमीन, निकल, निकल का निकल ही रहेगा क्योंकि ये कैटायन है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलोड बाय एनायन का नाम, एनायन क्या है क्लोराइड, अगेन याद रखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है तो क्लोराइडो नहीं आएगा, जो उसका नॉर्मल नेम है वो ही आएगा, ये क्लोराइडो एट ईटो एटो ये सब केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड रहते हैं उसके लिए यूज होता है। अब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस टू, देख लो एक्स प्लस जीरो प्लस माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू जीरो, यहां पर एक्स निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर, अमोनिया जीरो होता है न्यूट्रल है, क्लोराइड का माइनस वन तो माइनस वन इंटू टू, तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो,
implies x is equal to 2. तो ये हो गया आपका हेक्साअमीन निकल क्लोराइड, हेक्साअमीन निकल क्लोराइड। चलो एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट रूल यूज हो रहा है। ओके, सो आवर सेवंथ एग्जांपल इज ठीक है, अगेन इसमें आपका एनायन नहीं दिया होगा, आपको ये दिया होगा कि ये आपका कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कैटायन। जल्दी से वीडियो पॉज करो और उसका नाम लिखो, आई एम श्योर आप लोगों ने अब तक इसका नाम लिख लिया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका नाम क्या होगा। अगेन ये कैटायन की तरह है, तो सबसे पहले यही नाम आने वाला है। अगेन नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी, लिगेंड के नाम से स्टार्ट होगी। अगेन सबसे पहले क्या लगेगा, इसका प्रीफिक्स लगेगा। अब देखो ये जो हमारा लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम क्या है, इथेन 1,2-diamine। तभी मैं प्रीफिक्स नहीं लगा रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूं इथेन 1,2-diamine। अब देखो यहां पर वर्ड डाई आ रहा है, तो हमने रूल में पढ़ा था कि अगर लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई वगैरह हो तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, बिस ट्रिस टेट्राकिस एटसेट्रा। तो यहां पर तीन है तो क्या लगेगा, यहां पर ट्रिस। और जब ऐसा होता है तो जो हमारा लिगेंड का नाम आता है उसको हमें ब्रैकेट में इंक्लोज करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट लगा है, और कभी ब्रैकेट नहीं लगते। जब आपके लिगेंड के नाम के अंदर डाई ट्राई कुछ भी न्यूमेरिकल फ्रेज आ रहा है तो आपको ब्रैकेट में लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिस इथेन 1-2-diamine कोबाल्ट और ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर हो जाएगा, जो चार्ज है इसके ऊपर, राइट, एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो ये आपका नाम हो गया ट्रिस इथेन 1,2-diamine कोबाल्ट 3। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसके अंदर, ये इसमें थोड़ा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर मल्टीपल लिगेंड्स होंगे। अभी तक हमें सारे सिंगल लिगेंड्स वाले एग्जांपल देखे, अब दो एग्जांपल मल्टीपल लिगेंड्स के देखेंगे और इस वीडियो को फिनिश करेंगे। तो पहला एग्जांपल है ठीक है, और ये एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दिया हुआ है, तो अकेला आपको ऐसे दे दिया, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब ये ना एनायनिक है ना कैटायनिक है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसका नाम दे। तो अब सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम देना पड़ेगा, राइट, और यहां पर कितने लिगेंड्स हैं, दो लिगेंड्स हैं, तो हमें क्या रूल पढ़ा था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो कि हम मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो भी हम यूज करते हैं ना, मल्टीपल सॉरी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सेम चीज यहां यूज करेंगे। तो ये है क्लोरिडो, ये है अमीन, कौन पहले आता है, ए, तो पहले इसका नाम आएगा, फॉलोड बाय इसका, फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो प्रीफिक्स टू यानी बाय डाई अमीन, डाई क्लोरिडो, क्योंकि ये एक न्यूट्रल है तो एट नहीं लगेगा, जो नाम है वही आ जाएगा प्लैटिनम, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ देखो इसकी x मान लेते हैं, अमोनिया की तो जीरो होती है, क्लोराइड की माइनस वन होती है, तो माइनस वन इंटू टू माइनस टू, ओवरऑल न्यूट्रल है इक्वल टू जीरो, तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू टू। तो ये हो गया आपका नाम डायअमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम टू, डायअमीन
डाइक्लोरिडो प्लैटिनम टू, क्लियर है। तो इसके अंदर आपके मल्टीपल लिगेंड्स थे, तो हमने दोनों लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिया है। चलो लास्ट एग्जांपल देखें। ओके, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। सी आर एन एच थ्री होल थ्री, एच टू ओ होल थ्री, अब देखो देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये कंपाउंड, बट देखकर डर गए तो कुछ नहीं है। कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, अब तो बेसिक रूल यूज करो और नाम लिखना शुरू करो। तो जैसे इसका क्या नाम हो जाएगा, अगेन सबसे पहले कैटायन ही क्या नाम है, कैटायन है, तो पहले इसका नाम आएगा, उसके बाद क्लोराइड आएगा। सबसे पहले क्या नाम आएंगे, लिगेंड्स के, कितने लिगेंड्स हैं, एक और दो। ये क्या है, एक्वा, ये क्या है, अमीन, ए ए सेम, इसके बाद इसमें एम, इसके बाद क्यू, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आएगा, ठीक है ना। तो पहला लेटर दोनों में सेम है, तो हम नेक्स्ट लेटर कंपेयर करेंगे, एम पहले आता है क्यू से, तो ये नाम पहले आएगा। सबसे पहले प्रीफिक्स ट्राई, अमीन, अगेन ट्राई, एक्वा, ये कैटायन है, तो क्रोमियम का नाम क्रोमियम की तरह आएगा, ना कि क्रोमेट की तरह, क्रोमियम, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर, फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायन विच इज क्लोराइड। तो अब इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सिंपल है, ये न्यूट्रल है जीरो, ये न्यूट्रल है जीरो, तो एक्स, ये माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, ओवरऑल जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो ये हो गया आपका ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थ्री क्लोराइड। फॉर्मूला भी बड़ा, नाम भी बड़ा, लेकिन नाम लिखना बहुत इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है, अगर आप गिनती के तीन चार रूल याद रखोगे। क्लियर है, तो ये हमने नौ एग्जांपल देखे, चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट दस एग्जांपल देख लेते हैं, राउंड ऑफ नंबर है तो बेटर लगता है, ठीक है। एक एग्जांपल और फाइनल देखते हैं। चलो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, CO NH3 ONO 2+। तो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये नाइट्राइट ग्रुप आ रहा है, और नाइट्राइट दो जगह से एम्बिडेंट लिगेंड है, एन से भी अटैच कर सकता, ओ से भी अटैच कर सकता, यहां पर क्लियरली दिया हुआ है ओ एन ओ, मतलब ये ओ से लिंक कर रहा है, ठीक है, किससे लिंक कर रहा है, ओ से लिंक कर रहा है। फिर ये कैसा है, कैटायन है, तो पहले इसी का नाम आने वाला है, और क्योंकि कैटायन है इसलिए जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका नाम चेंज नहीं होगा, इसको ब्रैकेट में लिखो क्योंकि लिगेंड है। तो अब इसका नाम लिखते हैं, देखो ये होता है नाइट्रीटो, पढ़ा था हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में वीडियो में, और ये अमीन, कौन पहले आ रहा है, ए। तो इसके अंदर क्या है प्रीफिक्स, कितने लिगेंड्स हैं अमीन के, पांच, तो पेंटा अमीन। नाइट्रीटो को कितने हैं, एक, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, पेंटामीन नाइट्रीटो ओ, कोबाल्ट, फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अगेन देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आने वाली, कोबाल्ट की एक्स ले लो, अमीन की जीरो होती है, नाइट्राइट किसी भी फॉर्म में हो माइनस वन होती है,
इज इक्वल टू टू, तो x इज इक्वल टू थ्री. तो पेंटा अमीन नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट थ्री, तो ये इसका नाम हो गया. एक चीज अगर आपने नोट करी है, तो जब भी मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम दिया है, मैंने कहीं पर स्पेस नहीं छोड़ी, पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम एक साथ आएगा विदाउट एनी स्पेस. सेकेंडली, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम में कहीं पर भी कैपिटल लेटर नहीं आएंगे. अगर कहीं गलती से मैंने कैपिटल लेटर बना लिए तो उसको लोअर केस में कर देना, सारे के सारे लेटर लोअर केस में होंगे. तो ये हम लोगों ने 10 एग्जांपल देखे. इसके अंदर हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिंगल लिगेंड के साथ, मल्टीपल लिगेंड के साथ, जहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, जहां पर न्यूट्रल है, जहां पर नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स भी हमने इसके अंदर कवर करे हैं. तो आई होप कि अब ये नॉमनक्लेचर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर है, ये आपको एकदम क्लियर होगा. जो चीज देखने में फर्स्ट टाइम पढ़ने में बहुत मुश्किल दिखती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, अब आप रियलाइज करोगे इस वीडियो के बाद कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और काफी स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही, बोर्ड एग्जाम में तो आना ही आना है. और ये मतलब स्कोरिंग करने का सबसे बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं. तो व्हाट आई विल डू इज, व्हाट आई विल एडवाइस यू कि आप लास्ट वीडियो देखो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और उसके बाद इस वीडियो को देखो, सारे एग्जाम्पल्स करो, और फिर और एग्जाम्पल्स आपकी बुक से या नेट से ढूंढ के या रेफरेंस बुक से ढूंढ के उसकी प्रैक्टिस करो. इसके अंदर प्रैक्टिस की जरूरत है. 10 एग्जाम्पल हमने यहां पर कर लिए, इसके अलावा 8 से 10 और कर लो आप, तो ये टॉपिक के अंदर, इस नेमिंग नॉमनक्लेचर के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है. तो आज के वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं. आई होप you enjoyed this video. मुझे तो बहुत मजा आया ये सब पढ़ाने में. तो I hope you have also enjoyed this particular video. ध्यान से देखो, keep studying, and we will meet soon with the next video in the series coordination compound. So till then, goodbye and have a nice time. Oh, let me